इस तस्वीर को देखकर ये मत समझ लीजिए कि पानी पिलाने के 90 भर्तियों के लिए एमबीए और एमए जैसी डिग्रियों से लैस लाखों नौजवानों के लाइन में खड़ा हो जाने वाला अपना देश कोई कंगाल देश है। हाँ, मचती है 10-20 हजार की रुपल्ली के लिए भर्तियों में भगदड़, होती है मौतें, लेकिन दुनिया की नजरों में हमारी गिनती रईसों के देश के तौर पर होती है। फिनेंशियल फर्म क्रेडिट स्विस की ताजा ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले एक साल में 7,300 करोड़पति बढ़ गए। मतलब अब भारत में कुल 3,43,000 करोड़पति रहते हैं। इनमें से 3,400 के पास 370 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत है। 1,500 लोगों की कुल दौलत तो 740 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, और इन करोड़पतियों की कुल दौलत सुन लेंगे तो चकरा जाएंगे, 444 लाख करोड़ रुपए। तो नोटबंदी के दौरान 100-100 रुपए के लिए रात रात भर लाइन में खड़े होने वाले लोग किस देश के थे? 500 रुपए का नोट बदलने के लिए जान दे देने वालों का देश क्या यही था? अब उसी स्विस रिपोर्ट का अगला हिस्सा देखिए। देश के 91% युवाओं के पास औसतन 7,40,000 रुपए से भी कम की दौलत है। 119 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 103वें नंबर पर आता है। 13.5 करोड़ परिवारों की कुल मासिक आमदनी 5,000 रुपए से भी कम है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 19 करोड़ लोग भारत में कुपोषित हैं। लेकिन उदास मत होइए, करोड़पतियों के बढ़ते क्लब का जश्न मनाइए, दिखाइए कि हम दौलत वाले देश हैं। वैसे भी भूख छिपाने की चीज होती है और दौलत दिखाने की।